एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मा मेडिकल केयर। क्या आपने कभी सोचा है कि सोने से बिल्कुल पहले पानी पीकर सोना आपके लिए सही है या नहीं? वेल, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि सोने से पहले पानी पीना चाहिए या नहीं, तो मेरी आज की वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है। है तो ये बहुत छोटी सी बात और शायद बहुत से लोग इसको सोचते भी नहीं, लेकिन आज हम इस बात को जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए, सोने से बिल्कुल पहले पानी पीने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। जैसा कि आपको पता है कि पानी पीने से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, इसलिए एक बात तो तय है कि पानी पीने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड ही रहेगी, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अब देखते हैं कि रात को सोने से पहले पानी पीने का नुकसान क्या है। वो सिर्फ यही नुकसान है कि सोने से बिल्कुल पहले पानी पीने से आपको मिडिल ऑफ द नाइट में भी वॉशरूम की जरूरत पड़े, ऐसे में आपकी नींद खराब होगी और पॉसिबल है कि जागने के बाद आप वैसी गहरी नींद ना सो पाएं जैसे कि आप सो रहे थे। और ये मेडिकली प्रूवन भी है कि रात को सोने से पहले आपके किडनीज एम्प्टी होने चाहिए, आपके ब्लैडर में यूरिन नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा सोने से पहले अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम जरूर जाएं और पानी की ज्यादा मिकदार रात को सोने से पहले इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि ताकि आपके लिए ये डिस्कम्फर्ट साबित हो सकता है। So what's the best way to drink water before bed? It's generally recommended कि आप सोने से 2 घंटा पहले पानी पीना बंद कर दें। ऐसा करने से आपकी बॉडी को टाइम मिल जाएगा कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके और ऐसा करने से आपकी नींद भी मिडिल ऑफ द नाइट खराब नहीं होगी और आप 8 आवर्स की मुकम्मल स्लीप ले सकेंगे। लेकिन अगर आपको सोने से पहले प्यास लगी है या आपको पानी की जरूरत है, तो कोशिश करें कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को यूज करें, बहुत ज्यादा मिकदार में पानी ना पिए और कोशिश करें कि सोने से पहले अगर पानी पीना है तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। एट द एंड मैं आपको ये बता दूं कि पानी पीने का आपको कोई नुकसान नहीं होता, आप चाहे जिस वक्त भी पीना चाहें, आपकी मर्जी, आप पी सकते हैं। इट्स अप टू यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फार्मा मेडिकल केयर।